जो पहली बार आए गुरुजी के पास और सत्संग में ऐसे आए, तो उनको पता नहीं होगा कि हम थोड़े से डिसिप्लिन के पक्के होते हैं। ठीक है, रिश्तेदारी भी बहुत अच्छी होती है, बट जिस जगह का अदब होता है उस जगह को थोड़ा सा मान भी लेना चाहिए प्लीज। और एक सेकेंड, बोलना नहीं बिल्कुल भी। एंड ऑल मोबाइल्स जिसके चल रहे हैं वो प्लीज साइलेंट मोड पे कर दें। कोई बात नहीं, अगर हम पहली बार आते हैं तो थोड़ी बहुत हमसे ऊंच नीच हो जाती है, क्योंकि हमें ना आदत नहीं है डिसिप्लिन की। जब भगवान के पास जाते हैं हम, जब मंदिरों में जाते हैं, माता की चौकियों में जाते हैं या जगराते में जाते हैं ना, हमें ना डिसिप्लिन नहीं आता। हम वहाँ भी गप्पे मार रहे होते हैं, माता रानी बेचारी बैठी है, आशीर्वाद दे रही है, पर हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी गप्पे मार रहे, रिश्तेदारी की गप्पे, तेरा मुंडा की कर दिया, तेरी कुड़ी की कर दी है, उन्होंने ब्याह हो गया, कितने बच्चे ने, मतलब माता रानी तो बेचारी बैठी हुई है, बट किसी का ना भजन कीर्तन में ध्यान है, ना ही कहीं उनके तरफ ध्यान है कि कितना अच्छा सोना सजाया है, बड़ा चंगा अरेंजमेंट है, दैट्स ऑल। भगवान माता रानी कहाँ है, गुरु जी कहाँ है, कृष्ण भगवान कहाँ है, साईं बाबा कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं लगता। तो इसीलिए जिस जगह भी जाओ, चाहे वो किसी का भी सत्संग हो, किसी के भी भजन कीर्तन हो, जिस जगह का, जिस परमात्मा का अदब करा जा रहा है या उनको बुलाया जा रहा है, उसको नतमस्त होकर थोड़ी देर शांति से बैठ के सुना करो। यू नो, अपनी तो मौज मस्ती होती है, आप जो करते हैं अपने घरों में, तो फ़ोनों पे भी लगे रहते हैं, हर जगह लगे रहते हो, बट एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जिस अदब से जाते उसका आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। परमात्मा की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको मान इज्जत भी कैसे मिलेगा। तो थोड़े से रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई नहीं होते, पर एक आपके अंदर की आवाज़ होनी चाहिए, आपके अंदर का कॉमन सेंस और संस्कार होना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हो उसका आप अदब कर रहे हो, उसका सत्कार कर रहे हो, या अपनी वेलियाँ मारे जा रहे हो, अपने ही लगे हुए हैं, सच सवर के आते हैं। मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है। एक बार हम ऐसी माता की चौकी पे कहीं गए थे, तो नॉर्मली मैं जाती वाती ऐसे जाती नहीं हूँ, बट हाँ हमारे रिश्तेदार थे तो इसलिए मैं चली गई, और बहुत क्लोज थे, और सास को भी अच्छा लगता कि मैं जाऊँ। मैंने कहा अच्छा चलो जाती, नहीं तो मैं गुरु जी के सत्संग के अलावा कहीं जाती नहीं हूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे बड़ा दर्द भी हुआ कि वो इतना अच्छा सा दरबार लगा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है, बट सारे इतने ज्वेलरी और इतने हैवी कपड़े पहन के वो सारे के सारे ना वो बेटे गा रहे हैं, वो भजन गा रहे हैं, और वो सारे ना माता रानी की वो आगे आके ना फोटो ही खिंचा रहे हैं अलग अलग पोज में, वो गाए जा रहे हैं, माता रानी अपने में लगी हुई है, ये अपने में लगे हुए फोटो सेशन करने में। तो मैंने सोचा कितनी बेअदबी है, यू नो, आई मीन सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, अपना सच संवरने के लिए ही आप उनको बुलाते हो, ये सब करते हो, या जो वो गा रहे हैं, जो जिन्होंने आपको दिया है परमात्मा ने, माता रानी ने, या गुरु जी ने, या कोई भी साईं बाबा ने आपको दिया है, एटलीस्ट 2 मिनट उनका बैठ के शुक्राना करो, उनके साथ जुड़ो तो सही कम से कम बैठ के। ये अदब होता है, ये हमारा इंसानी कर्तव्य भी होता है। सो इसलिए पहली बार ही माफ़ी हो जाती है, दूसरी बार भी होती है, तो तीसरी बार माफ़ी नहीं मिलती, क्योंकि परमात्मा भी कहता है कि क्या मतलब, ठीक है तुम भी राम रौले में फंसे रहो, फिर तुम राम रौले में नहीं जुड़ना ना जुड़ो, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, और कहते हैं तुझे अपना करना है तो कर लो। सो ये थोड़ी सी एक डिसिप्लिन, एक थोड़ा सा हमारे को ज़रूर रखना चाहिए हमारे अपने अंदर। एनीवे ये तो कुछ छोटी सी बात है, ताकि देखो शांति हो गई ना कम से कम। सो जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरु जी का आना घर पर, और गुरु जी का संगत के साथ घर पर आना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और गुरु जी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो जब भरपूर संगत आती है, इतने प्यार से जब संगत उनको बुलाती है, आओ भगत करती है, ये नहीं देखती कोई छोटा है बड़ा है, पर संगत गुरु रूप होती है। तो वहाँ पर चार चांद लग जाते हैं, वहाँ की रौनक ही अलग हो जाती है, कि गुरु जी भी अपना प्रमाण दे देते हैं कि मैं आ गया। क्योंकि आज हम बैठे थे सारा टाइम तो ऐसे ही बैठे रहे, बट आई थिंक जब राम जपो जी ऐसे ऐसे, या मैं बलिहारी गुरु आपने, तो उसमें एक ऊपर से थोड़ी सी फूलों की वर्षा हुई है ना। हाँ जी, तो वो क्या हम मांग नहीं रहे,
बट वो बता देते हैं कि मैं इतनी जगह मैं यहाँ हूँ यू नो। और आप सच मानो गुरु जी होते हैं, आपको महसूस होंगे। आप जब बैठे हो यहाँ पर थोड़ी देर बैठोगे तो आपको उनकी जो ऊर्जा है जिसको एनर्जी हम कहते हैं वो आपको महसूस होगी। सो ये भी उनका एक तरीका है। और ये गुरु जी ऐसे हैं कि जो आपको प्रमाण भी दे देते हैं मैं हूँ, आपकी सुनते भी हैं, आपकी समझते भी हैं और आपका कल्याण भी वो करते हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। जैसे आज हम बैठ के बात कर रहे थे सत्संग में अभी शुरू होने से पहले, मैंने कहा गुरुजी देखो कितना हमारा ख्याल रखते हैं सब चीज़ों का, हमारे परिवार का, हमारे आसपास का, हमारे काम का, हमारी अंदर की दुविधाओं का, हमारे अंदर के जो द्वंद्व चलते हैं, हमारी जो अंदर की बातें चलती हैं, उस सब का गुरुजी बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों रखते हैं? और उसके बावजूद लाइट चली गई सत्संग में तब भी कहते हैं गुरुजी कुछ करो ना। मतलब सारा का सारा दारोमदार हमने अपने जीवन का गुरुजी को सौंप दिया है, चाहे वो छोटी सी बात हो चाहे वो बड़ी सी बात हो। हमने क्या कर दिया? हमने अर्पण कर दिया है, हमने अपना सरेंडर कर दिया है। गुरुजी जो हमारे जीवन में चल रहा है उसको चलने दो। और हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। क्या मांग करोगे आप? ये गुरुजी से हमने जीना सीखा है यू नो। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग परेशान इसलिए, दुख कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार है तो दुख, बट गुरुजी की शरण में आके और उनकी रजा में रह के जो आपके जीवन में चल रहा है उसको मान के चलेंगे ना, तो आप सोचोगे कि कितना सुख है। बहुत ज़्यादा सुख है गुरुजी के चरणों में, क्योंकि वो आपका ख्याल रख रहे हैं। आप कोई भी अगर गुरुजी के पास आ रहे हैं बहुत दिनों से, कैसे भी आ रहा है, आप देखोगे कि आप जब आए थे तो कितने रोंडू पिट्ठू से होते थे यू नो। सारा टाइम कंप्लेन करना, गुरुजी मैंने तो ज़िंदगी में ऐसे नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ये नहीं करना था वो हो गया। और जब ये सब चीज़ें हुई तो आपने क्या किया? आपने देखा कि आपके अंदर क्या बदलाव आना शुरू हुआ है, कि आपका रोना पिटना बंद हो गया है, आपने खुश रहना सीख लिया, पॉजिटिव रहना सीख लिया, आपने जीवन को जीने का एक तरीका गुरुजी आपको बता रहे हैं। सब कहते हैं कि मुझे हमारे को मिरेकल्स होते हैं हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारी। सो हमारे जीवन में जो मिरेकल्स हैं ये कोई हमारे ऐसे नहीं है कि हमारी बीमारियां ठीक भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमार होने तो मिरेकल्स होते हैं। आप देखो कि आप अंदर से बदल रहे हो और अंदर से आपके अंदर एक गुरुजी के नाम की जोत जल रही है और आप अच्छा कर रहे हो, आपका व्यवहार अच्छा हो गया है, आपके सोचने का ढंग अच्छा हो गया है, ये भी तो एक मिरेकल है। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सोच नहीं बदल सकती। आपके हम इतने ज़िद्दी और अड़ियल होते हैं ना कि हमारी सोच सबसे ऊंची सोच है। हम सिर्फ बोलते हैं कि मेरे जैसा कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात सच है। अगर अपने घरों में झांक के देखो, अपने परिवारों में झांक के देखो, कले कलेश का कारण यही है कि मैं सही हूँ तो तू गलत होगा। अब जो गुरुजी की संगत है, अगर कोई आपको बोलता भी है कि तुम गलत हो हम सही हैं, तो आप बोलते हो ठीक है। अगर आपको अपने आप में सही लगता है, हालांकि आप सही भी होते हो, तो भी आप क्या कर रहे हो? आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको दे रहे हो कि हाँ तुम खुश रहो, ठीक है ना। और हमारे अंदर सारी ईगो भी खत्म हो जाती है। ये गुरुजी की कितनी सारी देन है मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कैसे गुरुजी हैं हमारे। प्रवचन बहुत सारे होते हैं, बहुत गुरु करते हैं, सबको नतमस्तक, सबको नमस्कार, सब भगवानों को भी नमस्कार, सबके लिए आदर सत्कार। पर जो गुरुजी ने हमको दिया है और जो गुरुजी दे रहे हैं, दोनों हाथ से लुटा रहे हैं हमारे को गुरुजी। तो इसीलिए गुरुजी के सत्संग भी मैं करूँगी। और आप ये देखना कि सॉरी अंकल्स भी, बट गुरुजी ने ना आंटियों को भी बहुत ब्लेस किया है। क्यों ब्लेस करते हैं? मैंने तो ये देखा है अपनी 13 या 15 साल की जर्नी में गुरुजी के साथ, कि जितनी औरतें घरों के अंदर बैठी रहती थी कैद की तरह और घर से बाहर नहीं निकलती थी, वही चूल्हा चौका जिसको कहते हैं ना, और घर परिवार, और इसके अलावा उनके जीवन में कोई रस ही नहीं है। घर में आना वही काम चलना, वही रिश्तेदारी वही। पर गुरुजी ने पता है क्या कर दिया हमारे को? गुरुजी ने सारी औरतों को बाहर निकाल के सत्संगों में जाना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने घर घर सत्संग होते हैं जाते हैं, सेवा का भाव सिखाया है गुरुजी ने, कैसे सेवा होती है। इवन हमारे को अंकल्स को आंटीज को सेवा का भाव सिखाया है, आके चाय प्रसाद दो, लंगर बांटो। और
कितनी खुशी होती है उस सेवा करने में कि आप उसका मतलब आपको हर जगह आप जा रहे हो, आप क्या करते हो, गुरुजी का सत्संग ना भी हो रहा ना, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि सारे अपने आप खड़े होकर सेवा करने लगते हैं। तो ये जो हमें गुरुजी ने दाद दी है सेवा की, सारी संगत को कोई भी हो, किसी का झूठन उठाना एक हमें गिननी आती है कि कितनी संगत आ रही है, आप उनका झूठन उठा रहे हो। और जो बड़े मंदिर में जाके बर्तनों की सेवा करते हैं और जो बर्तन साफ करते हैं, पहले तो सबके घरों में सर्वेंट्स होते हैं या हेल्प होती है, फिर भी वो जाके झूठन साफ करते। कभी आपने ज़िंदगी में अपने बर्तन नहीं धोए पर आप संगत के बर्तन धो रहे हो जाके, तो गुरुजी कहते थे कि ये जो झूठन तुम मांज रहे हो ये तुम्हारे अंदर का मंजन होता है, तुम्हारे अंदर की सोच बदलती है, वो छी छी गंदा ये हम क्यों करें, अब आपको ये लगता है कि इसके मांजने से तो मेरा जीवन भी मंज जाएगा, मेरी जीवन की जो नहीं है वो पार लग जाएगी। तो ये गुरुजी की छोटी छोटी आपको जो बातें हैं जो गुरुजी के पथ पे लेके जाएं, गुरुजी का पथ नहीं है कोई भी, देयर इज़ नो पाथ टू गुरुजी, ये हमारे लिए गुरुजी ने एक पाथ बनाया है ताकि हम इंसान बन जाएं और अच्छे इंसान बन जाएं। गुरुजी कहा करते थे कि अपने बच्चों को तो सभी प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, बे इंतहा मोह रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं, बट कहते हैं इंसान और इंसानियत वही है जो दूसरे का बच्चा गिरे, चाहे आपकी हेल्प का बच्चा गिरे, उसको चोट लगे, तो जितना दर्द आपको अपने बच्चे के लिए होता है उतना दर्द अगर आप उस सर्वेंट मेड सर्वेंट की या आपके घर में जो काम करती है उनकी बच्चा गिर गया और उसको दर्द हो, तब तो जाने कि आपके नाम में इंसानियत नाम की जीत जाग रही है, अदरवाइज कोई जागृति नहीं अभी हुई। अभी आप धीरे 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 इंसान बन रहे हो, इंसानियत आएगी आपकी। तो आपकी ये छोटी चीज़ें गुरु जी देखते हैं, आपका भाव देखते हैं गुरु जी। तो जुड़ने के तरीके कोई नहीं होते, कोई आपको जोड़ नहीं सकता, ऐसा कोई भी दुनिया में तरीका नहीं जो आपको जोड़ सकता है। ये जो जुड़ाव आएगा ना वो गुरुजी की तरफ से आएगा, कनेक्शन आपका गुरुजी बनाएंगे, क्योंकि तार जोड़ने वाले वो हैं, उनकी जो जुड़ी हुई तार है वो पक्की है, और जो हमारी जुड़ी हुई जो तार है हम जो जोड़ेंगे उसका कनेक्शन फेल हो जाता है हर बारी। प्रॉब्लम आती है तो हम फटाफट खींच लेते हैं, यू नो हमें वो रेड टेप, वो जो कहते हैं ना जब आप दो तारें जोड़ो तो ब्लैक टेप से करते हो, हल्का सा अगर आपने खींच लिया दुख में अपनी तार तो वो तो निकल जाएगी, पर गुरुजी अगर जोड़ेंगे आपसे तार तो वो परफेक्ट होगी, काटे और टूटे कहीं से भी नहीं कर सकती, ये उनका कनेक्शन है। तो इसीलिए हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी हम तो नादान हैं, ना समझ हैं, आप ही हमारे से कनेक्शन जोड़ो ताकि हम आपसे कनेक्टेड रहें, हम आपसे जुड़े रहें हमेशा। मैं अपना सत्संग करती हूँ कि जब मैं गुरुजी से मिली थी 2005 में, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आते दुनिया में, जैसे हम अगर बहुत सारी दिक्कतें हैं तो गुरुजी कहते थे बहुत ज़्यादा दुखी हो या आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली होती है ना तो गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं और आपको सही दिशा देते हैं। तो ऐसे ही में हमारे जीवन में भी 2005 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और अभी हम गुरुजी से नहीं मिले थे, आज फिर मुझसे गुरुजी अपना हेलीकॉप्टर का सत्संग कराएंगे। एनीवे सो ये भी उनकी रजा है, यू नो ये उनकी चक्री चल रही है, मुझे नहीं मालूम नहीं कैसे। सो 2005 में भी हमारी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और जब हमारे सारे दरवाजे बंद हुए ना तो मेरे लिए गुरुजी का दरवाज़ा खुला, और जब से खुला तब अपने खोल के रखे हैं, अपने मंदिर के नहीं, अपने दर के द्वार ही नहीं, पर उन्होंने अपने दिल का द्वार भी खोल दिया। तो इसलिए उनका प्यार पाके हम धन हो गए। 2005 की बात है जब हमने अपना पहला हेलीकॉप्टर खरीदा, और तो हम ना तब गुरुजी से नहीं मिले थे, तो हमने सारी अपने पैसे जमा पूंजी सब इकट्ठी करी, और जब वो इकट्ठी करके हम गुरुजी के पास गए नहीं थे, तो जब इकट्ठी करके हमने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, तो मेरे हस्बैंड जब हेलीकॉप्टर लेने गए साओ पोलो ब्राज़ील से, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो एजेंट है वो भी भाग गया, और जिससे हमने हेलीकॉप्टर खरीदा था वो भी कहता कि मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था जिससे हमें एक्सपोर्ट करना था इंडिया के अंदर वो एक्सपायर हो गया था। तो जब वो एक्सपायर हो गया तो अब कहाँ से हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट लाइसेंस पे तो हम नहीं ला सकते, उनके हमारे पास है ही नहीं एक्सपोर्ट लाइसेंस।
उस कंट्री का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हाथ खड़े कर दिए। तो मेरे हस्बैंड गए इंडियन एम्बेसी, हर ऑफिशियल वहाँ के ब्राज़ीलियन ऑफिशियल्स के पास, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका ना हेलीकॉप्टर यहीं पर उड़ा लो, यहाँ पर हम परमिशन नहीं ग्रांट करेंगे। अब बड़ा बुरा हाल हुआ, और साथ में 15 दिन के लिए, 15 दिन में आ जाना था हमारा हेलीकॉप्टर, बट क्या हुआ कि उन्होंने बस, मैंने कहा 2.5 महीने हो गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर मेरे पास बैंक वाले पीछे पड़ गए, आपने ना हवाला कर दिया, इतने करोड़ों रुपए भेज दिए आपने ब्राज़ील, और अब क्या करूँ मैं। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, वापस आ जाओ। ऐसे ही वापस हम आए तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो हमारे बहुत पुराने एक फ्रेंड्स हैं, गुरु जी की संगत है, वो हमारे पास आए, तो कमांडर नागपाल गुड़गांव संगत है वो। उन्होंने बोला कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, तो उन्होंने बोला नहीं पता नहीं सारे दरवाजे बंद हो गए, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मैं को समझ नहीं है मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं एक गुरु जी है तो उनके पास जा। तो कह रहे अच्छा, तो पहली बार तो मैं गई नहीं गुरु जी के पास, मैंने कहा पता नहीं टेढ़े मेढ़े से गुरु है, मैं गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ती ना, मुझे गुरु जी के पास जाना है, मेरे को नहीं जाना कहीं भी, आप जाओ पहले। तो मेरे हस्बैंड पहले गए, पहले दिन उन्होंने समझा के भेजा कि 4 लोग एक थाली में लंगर खाते हैं, आपको चाय प्रसाद मिलेगा, आपको गुरुजी से कुछ पूछना नहीं है, मत्था टेकना है, वापस आ जाना है। तो ये बात करके उन्होंने फिर चले गए। जब वापस आए उन्होंने बोला कुछ तो बात है गुरुजी कि गुरुजी के पास कैसी बात है, कह रहे कि कुछ शांति मिल गई मुझे, 2-2.5 घंटे मुझे बहुत शांति मिली, और कुछ है, मैंने कहा कुछ पूछा, कहते बस उन्होंने ये पूछा तो ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मैं संडे को साथ गई गुरुजी के पास, और जब पहली बार गुरुजी को देखा ना तो ऐसे लगा जैसे किसी डिवाइन से इतने, फोटो है तो क्या बोलेंगी, ये तो सिर्फ वो फोटो है जो वो थे वो है, मतलब मेरी नज़रों में उसको वो नूर देख के, वो खुशबू, वो चमक देख के मेरे को लगा जैसे मुझे बहुत कुछ मिल गया, पर समझ नहीं आ रहा था क्या मिला है। एनीवे हम बैठे, शब्द कीर्तन चल रहा था, शब्द कीर्तन के बाद फिर गुरुजी ने हमको बुलाया, गुरुजी ने बुला के पहले तो मेरा नाम पूछा, कह रहे तेरा की नाम है, मैंने कहा नहीं, मुझे सबसे पहले उन्होंने बोला मत्था टेकते तू मेरे से, तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई मेरे को, ऐसे करके बोला। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे बुलाया ही नहीं, बस ये मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा तू कमली है, मैंने कहा ये तो अच्छे तमगे मिल रहे हैं मुझे गुरु से, पता नहीं क्या है या नहीं मुझे नहीं मालूम। एनीवे उसके बाद फिर सारा पूछा मेरा नाम क्या है, मैंने कहा ओल्गा, कहते हैं ओल्गा ऐसे पंजाबी वाला नाम नहीं है, मैंने कहा नहीं गुरुजी ये एक रशियन नेम है। फिर सारा पूछा परिवार से क्या है क्या नहीं है, सारे बच्चे कितने हैं और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली और कहा हूँ 200 प्रॉब्लम की है, तो मेरे हस्बैंड ने सारी प्रॉब्लम बता दी। फिर गुरुजी ने कहा कि एनजेगा 2 हफ्ते में थोड़ा हेलीकॉप्टर थे हो और ओम ब्लेस करके दिया 5.25 ग्राम का, और जब वो ब्लेस किया और बोला जाओ, और मेरे हस्बैंड को बोला मंडे को पहन लेना। तो जैसे ही मंडे को फिर वो ब्राज़ील गए साओ पोलो, वहाँ पर उन्होंने पहना, उन्होंने कहा फिर वो चमत्कारी हो गया, ओम मिल गया, गुरुजी ने ब्लेस किया। नहीं हमें नहीं पता, अब गुरुजी ने बोल दिया हमने मान लिया, हम चले गए, कोई सरेंडर नहीं, कोई मानना नहीं, कोई विश्वास नहीं। तो जैसे ही हमने ये बात करी तो वहाँ गए, तो जैसे ही वो ऑफिस में घुसे उन्होंने बोला फिर आ गए, आपका कोई काम नहीं होने वाला है यहाँ। कि मन को धक्का लगा कि भाई ओम इतना गुरु, मेरे को ऐसा लगता है ना गुरुजी ने आपको कोई चीज़ दी तो लगा तो मिराकुलसली एक चुटकी में काम हो जाएगा। ये भी गए वहाँ पर, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, जब ये बात हो गई तो धक्के देके निकाल दिया गया वेडनेसडे को उनको, और बोला तुम जाओ यहाँ से। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, कहते हैं कोई काम नहीं हो रहा मेरे को, तो सिक्योरिटी और पुलिस वाले भी लेके जा रहे थे बिकॉज तंग कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती ऐसे करते। एनीवे फिर थर्सडे को मैंने कहा मैं जाऊँगी गुरु जी के पास तो करूँगी बात करूँगी। तो मैं थर्सडे को पहुँची एम्पायर स्टेट, तो वहाँ पर कोई भी नहीं, गुरु जी भी नहीं, अंधेरा एम्पायर स्टेट में। मैं कहा गुरु जी तो भाग गए, लगता कोई है ही नहीं, है ही नहीं, गुरु जी चले गए यहाँ से, पता नहीं कहाँ गए, डर सा लग गया। एनीवे किसी ने मुझे बताया कि नहीं आज बड़े मंदिर में गुरु जी हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। मैं कहा अच्छा जी, तो मैं गई बड़े मंदिर, जब मैं वहाँ गई तो देखा कितना भव्य समारोह हो रहा था गुरु पूर्णिमा पे, गाने बजाने भजन भी हो रहे हैं, टप्पे भी हो रहे हैं पंजाबी के, लट्ठे दी चादर बीच में सारे गाने चल रहे हैं जैसे गुरु जी चलाया करते थे।
जैसे पहुंची वहां पर तो यू नो मग्न हो गए हम सारे गुरु जी के पास बैठे, वो गाना गाए जाए और हम भी गुरु जी के यू नो साथ, मतलब गुरु जी को देख देख के निहार निहार के यू नो खुश हो गए। मतलब जब गुरु जी के साथ अट्रैक्शन बढ़ती है आपकी, आप खिंच खिंच पड़ती है गुरु जी के साथ यू नो, जैसे वो पढ़ती रही तो एक गाना आया लाल मेरी पद रखियो भला झूले लाल दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। तो जब वो आया तो मेरे पैर नहीं रुके और मैं खड़ी होके ना कोई नाच नहीं रहा था, मैं कहा जो मर्जी हो मंदिर से भी बाहर निकाल देंगे तो आज चलेगा, बट आज मैं मुझे कोई रोक ही नहीं सकेगा। एंड इतने मन में उमंग सी जागी और मैं नाची और नाच में मैंने गुरु जी को अपना मान लिया, अपना सरेंडर कर दिया कि तन भी मेरा मन भी मेरा आत्मा भी सॉरी आत्मा तन मन सब आपका गुरु जी और मैं भी आपकी हुई। और गुरु जी से जिसको कहते हैं ना इश्क सा हो गया, ये लोग जैसे प्यार हो जाता है ना, और बहुत ही रूहानी प्यार होता है ये, किसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते आप, बोल नहीं सकते कैसा प्यार होता है, इश्क है एक नियर वर्ड है इसके लिए। वापस आई और उसी दौरान नाचते नाचते मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया और वो कहते हैं कि मैं तो नाच रही थी मुझे पता ही नहीं लगा, बाद में देखा 11 मिस्ड कॉल्स है। जब मैंने उनसे पूछा कहते हैं कोई काम वाम नहीं हो रहा, मैं कहा मैं गुरु जी के पास हूँ मैं आपको बताती हूँ, तो आप सरेंडर कर दो। कहते सरेंडर कैसे करूँ, मैंने कहा ये नहीं मुझे पता, आपको जैसे करना है आप वैसे करो। तो एनीवे मैं गुरु जी के पास गई, 2:30 बज गए रात के, नाचते नाचते खूब नचवाया गुरु जी ने आधा पौना घंटा, फिर संगत के साथ नचवा यू नो हम नाचे। और जब अंदर गए तो मेरे को ना सवाल जवाब से याद रहेगा कि नीरज ने मुझे मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था। मैं अंदर गई तो गुरु जी को बता टेका, गुरु जी का तूते बड़ा सोना नाचती है, मैं कहा थैंक यू गुरु जी। फिर कहते हैं मैंने कहा गुरु जी ऐसे ना नीरज का फ़ोन आया था ब्राज़ील से, कोई काम नहीं बन रहा गुरु जी, कहते तू नाच रही सी थे मैं तेरा कल्याण ही थे कर रहा सी। मैंने तो चुप, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी और बहुत सारे मैंने ब्लेसिंग्स दी और मैं वापस आ गई और वापस उनके प्यार में गिरफ्तार। और कैसे गाने सुनते हुए इश्क में आप कैसे गाने सुनते हो ना, कितने सूफियाना कलाम सुनते हो, जब रब भी इश्क होता है तो ऐसे ही होता है। और मैं क्या सुन रही थी, स्वासा थी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, क्योंकि मुझे वही एक शब्द पता था और हमें पता ही नहीं थे कौन से शब्द है। सारी रात वो सुनती गई और नेक्स्ट डे दोपहर को या शाम को मेरे हस्बैंड का मैसेज आता है कि आई एम ब्रिंगिंग द हेलीकॉप्टर, मैं ना हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जब मुझसे बात की तो कह रहे कि तूने बोला था सरेंडर कर, तो मैंने सरेंडर कैसे किया। मैंने कहा कैसे किया, कहते मैंने तो पटियाला पैंट मारे, चार चार ड्रिंक्स बनाई अपनी, इतनी पी कि मेरे को होश ही नहीं रहा, अब दोनों हाथ खड़े करके मैंने बोल दिया गुरु जी हूँ सरेंडर। सो अब जो करना है जो करना है, पर ऐसा ये नहीं कि सारे अंकल या आंटी आके बोल दें सरेंडर आप करे करके, वो भी एक तरीक उनको पता नहीं था ना। अब ये हिदायत ये आजकल वो जल्दी जल्दी फैलती है बातें, ये ना कैसी अच्छा उन्होंने बोला था पी के सरेंडर करना था, हम भी ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं करना यू नो, आजकल ऐसा बच के रहना पड़ता है इवन वो बात करते हुए। सो इसी तरीके उन्होंने कहा कि मैं तो ले लिया सरेंडर। और थोड़ी देर बाद मुझे जिस ऑफिशियल से गवर्नमेंट ऑफिशियल से मैंने उन्होंने मुझे परमिशन देनी थी उसका फ़ोन आता है, मैं उसके घर जाता हूँ, उसके घर जाता हूँ और कहते मुझे लगा मैं सपने में हूँ, क्योंकि मैंने इतनी पी हुई थी, लड़खड़ा के चल रहा था, होश ही नहीं थी मुझे। तो टैक्सी करके वहाँ गया, उसके घर गया, घर से वापस आया। जब उसके घर से वापस आया तो उसने कहा कि चलो ऑफिस चलते हैं। तो उन्होंने बैक डोर एंट्री करी, बैक डोर एंट्री करके उसने क्या किया कि हैंड रिटन परमिशन हाथ से लिख के दिया कि 15 दिन के लिए आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस देता हूँ, और बोला जाओ यहाँ से लेके जाओ। तो यू नो इंग्लिश में बोला उसने गो अवे। तो मेरे हस्बैंड कहते मुझे लगा पता नहीं क्या, मैंने कहा तुझे चुन्नी मार यू नो जस्ट पिंच मी, तो उसने पिंच किया तो कह रहे सारी वहीं उतर गई पहले। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वजह कैसे हुआ, कहते कि ऐसा है कि जब से मैं ऑफिस से घर गया हूँ बैठा हूँ ना, तो कोई ना भूत मेरे अंदर आ गया है, कोई ना मेरे अंदर आवाज़ें आ रही हैं कि आपने गलत किया है नीरज भाटिया के साथ और आप जाके इसको ठीक करो। मीन्स इंग्लिश में इसमें इंग्लिश में गुरु जी बोल रहे थे उसके अंदर से यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो एंड रेक्टिफाई इट। सो कहते कि वो तुमने काला जादू किया क्या, ये तुम जाओ यहाँ से, मैं ये भूत भी साथ लेके जाओ। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे को समझ में आ गई कि कल्याण करने वाले और ऐसी बात करने वाले, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले, जो जहाँ पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब गुरुजी ने दरवाज़ा खोला तो इतना बड़ा खोला कि हेलीकॉप्टर ही आ गया हमारा उस दरवाजे से। तो उनकी मेहर से
जैसे गुरुजी ने कहा था कि 2 हफ्ते में हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ होगा, और वो हेलीकॉप्टर यहाँ था 2 हफ्ते से पहले पहले। तो गुरुजी का शुक्राना करने गए, और बड़े बंदा चौड़े होके जाते हैं ना, अगर आप हेलीकॉप्टर के मालिक हो जाते तो यू नो नॉर्मल चीज़ नहीं है ना, ग्लैमरस भी है बड़ी। तो हम गए तो उन्होंने बोला कि जिन्हें हेलीकॉप्टर आ गए ने वो पीछे जाके बैठे, जिन्हें नहीं आओगे आके बैठे। सो ये गुरुजी की, और फिर हमने थैंक यू बोला गुरुजी से कि एक तो 2 चीज़ें हुई कि हमारी ज़िंदगी पटरी पे आई, और दूसरा हमें गुरु मिला। यू नो अगर वो नहीं होते हैं हमारे जीवन में तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन जो है असफल रहता, और मेरे को हमेशा एक दुख रहता कि मेरा जीवन कंप्लीट नहीं है, माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हिम। और वो मेरे जीवन में है तो मैं पूरी की पूरी हूँ, नहीं तो मैं आधी अधूरी के जीवन जी के जाती। और सारी संगत के लिए भी ये है कि अगर गुरु नहीं होते हमारी ज़िंदगी में, गुरुजी नहीं होते, तो हम सारी आधी अधूरी ज़िंदगी जी के जाते। और अगर आज गुरुजी मिले हैं तो पूरा पूरा, कहते ना कबीर दास जी कहते राम नाम है लूट ले, लूट लो जितना गुरुजी का नाम है, गुरुजी को दोनों बाहों से लूटो। लूटो ऐसे नहीं मैं पैसे से लूटो ये सब, बट उनको प्यार से लूटो, उनको प्यार लुटाओ, अपना प्यार के ऊपर आप देखो कि कितना आपको रस आने लगा। वो शादियों में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कितने कलह क्लेश होते थे शादियों में, तो सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसमें भी उसने दिया नहीं, उसने मिठाई नहीं दी, उसने एक ये कम दिया, उसको ज़्यादा अच्छी दी, मुझे कम दी। आप ये देखोगे कि ये सारे के सारे ना हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इन सब यू नो गुरुजी से मिलने से। तो हमारे को गुरुजी ने एक जीवन दिया है जो बहुत ऊंचा जीवन है और रस भरा जीवन, जो हम कहते थे ना, कई मुझे कह देते हैं कि हम उनको कैसे समझाएं कि हमें कितना रस आ रहा है, तो अब नहीं मानते, ये नहीं करते। मैंने कहा उनको बोलो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसलिए हम उस रस को ले रहे हैं। और एक सेकेंड, अच्छा सबको लंगर दो प्लीज़। अभी मैं कह रही थी आपको ना माइक की जो पोजीशन है ना कि आप गलत रखते हो, आपको थोड़ा सा ये है कि आपके सत्संग के बीच में लंगर आ जाएगा। नहीं आप करो, आप साइड साइड से दोनों, अच्छा नहीं लगेगा लंगर। आंटी आप इधर आ जाओ, आंटी इधर आ जाओ, आप पीछे अभी बहुत है, आप लोग तो शेयर करो, पीछे से स्टार्ट कर देना। अच्छा जी, क्या पीछे से? सो चलो, और गुरुजी के दर से ना कोई खाली नहीं जाता, और सबसे ज़्यादा तो लंगर गुरुजी खिलाते हैं, क्योंकि लंगर में ही गुरुजी की दवाई होती है। और सो गुरुजी के दर पे ना बहुत कुछ है, वो बहुत देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स जैसे गुरुजी कहते थे बहुत बिखरी हुई हैं, बट लेने वाले बनो। यू नो जैसे कई बार जैसे कई संगत आती थी जो एक सेकेंड में ना बड़ी अनकम्फर्टेबल हूँ, एक सेकेंड ऐसे। अच्छा तो गुरुजी जो गुरुजी से जुड़े हैं, और आप मान लो इतनी दूर भी रहते हैं, गाजियाबाद साइड रहते हैं और बहुत दूर रहते हैं, तो आप ये मत सोचो कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पाते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमको नहीं मिलती हैं, और शायद हम रह जाएंगे, यू नो हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी अगर हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे। जाना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, वो हमारा हेड ऑफिस है, मैं हमेशा कहती हूँ वो मेरा हेड ऑफिस है, सलाम साफ करने कभी कभी जा सकते हो। पर अगर आप नहीं जा पाओ तब भी मन में कोई डाउट नहीं रखना, और कोई वहम नहीं रखना कि गुरुजी के दर पे नहीं गए तो हमारा काम नहीं हुआ, गुरुजी के दर पे हमने ये अरदास नहीं करी तो हमारा ये काम नहीं हो रहा, इसीलिए शायद नहीं हो रहा। तो गुरुजी इन सब वहमों से हमको ना पहले भी दूर करते हैं। गुरुजी कहते थे कि अगर जैसे आपके यहाँ सत्संग होते हैं गाजियाबाद में, और ये भी गुरुजी का आसन लगता है, प्रॉपर गुरुजी आते हैं, सब कुछ है, यहाँ भी अरदास जो करोगे ना वो भी पूरी होगी, और अपने ग्रह यू नो जो आपकी गृहस्थ जीवन है
जो आपका ये सारा जो जीवन चल रहा है इसको छोड़ के मारे मारे इतने घूमते फिरते जाओगे धक्के खाते हुए और पीछे से सारे रो रहे हो, यू नो, आपके घर वाले बच्चे, और आप लगे हुए बड़े मंदिर जाना है बड़े मंदिर जाना है, तब भी वो परवानगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब हमें बुलाते थे तो शाम को बुलाते थे। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हैं, क्या होता था, सारा दिन अपने हस्बैंड ऑफिस जाते थे और शाम को जब वो फ्री होके आते थे 8-8:30 बजे गुरुजी के पास आया करते थे, जैसे कोई ऑफिस से फ्री होता था तो गुरुजी कहते थे सारे काम पूरे करो, या जो वाइफ्स होती थी या आंटीज होती थी वो भी अपना खाना वाना बना के सब कुछ सेटल करके शाम के टाइम फिर वो आ जाते थे और आराम से, ताकि सारे अपने काम पूरे करके गुरुजी के पास जाएं। तो ये नहीं कि एक बार कोई आंटी आई तो वो तो फटाफट 6 बजे पहुँच जाना, 6:30 बजे रोज़ ऐसे ही पहुँच जाना। और गुरुजी ने फिर एक दिन उनको डांट लगाई, कह रहे तू मेरे को पज्जी पज्जी आंदी है नी, तू अपनी सासू से खाना नहीं खिला के आंदी, तू वो खाना नहीं बना के आंदी, मेरे को की करन आंदी। सो ये जो गुरुजी की प्रैक्टिकल थे बहुत गुरुजी, ये नहीं कि आप ये सोचो कि हाँ हाँ अपने आप कर लेंगे, पहले अपने घर में भी सेवा करो, अपने सारे काम करो और फिर आओ। अगर हम भी सत्संग में निकलते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, अगर मैं भी आज घर से निकलती हूँ तो मैं अपने घर में पूरा कुछ सेटल करके सब काम अपना देख के, कि सबको किसी को असहूलियत ना हो, किसी को मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सारे काम सेट करके फिर हम घर से निकलते हैं, ताकि किसी को बेआरामी ना हो हमारी वजह से। तो इसी तरीके से अगर आप सत्संग में भी आते हैं या बड़े मंदिर भी जाते हैं तो ज़रूर पहले अपने घर में सारे काम ख़त्म करके, सब जो जो आपके हैं वो करके फिर जाओ। अगर नहीं जा पाए तो वह नहीं करना, आज तुम्हारी गुरुजी की ब्लेसिंग रह गई, हम हफ्ते में एक बार जाते थे बड़े मंदिर, अब तो वो भी रह गया हमारा। इन सब चीज़ों के वहमों में मत पड़ो। गुरुजी कहते थे अगर कोई मेरे पास नहीं आ पा रहा मजबूरी से या इतनी संगत हो गई है तो मैं घर आके ही तुम्हें ब्लेस करूँगा। जैसे बहुत सारे थे, जैसे कोई 2 वक्त की रोटी कमाता है और उसके पास पैसे नहीं है इतने कि वो हर रोज़ आ जाए गुरु जी के पास या 4 दिन आ जाए, तो गुरु जी इसको मना करते, कहते तू 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को चलाता है तो तू मेरे पास ना, मैं तेरे पास आ जाए करूँगा। और इसी तरीके से गुरु जी ब्लेस करते थे। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि आप जा नहीं पा रहे हो, वहम के शिकार नहीं होना, किसी तरीके का वहम नहीं है गुरु जी के यहाँ पर, ना कोई लंगर का, ना प्याज लहसुन का, ये नरातों में भी प्याज लहसुन नहीं खाने, ये सब वहम नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा आपको खुद खिला रहा होता है तो फिर आपके खुद के रूल्स बनाए हुए, माता रानी ने थोड़ी ना रूल्स बनाए प्याज लहसुन नहीं खाना, ये तो पंडितों ने रूल्स बनाए हैं ना कि आपके अंदर तामसिक भाव ना आए। पर आप देखोगे तामसिक भाव फिर भी रहेगा, 8 दिन नराते होते हैं ना, तो 8 दिन में क्या करते हैं वो तला हुआ खाते हैं, उससे क्या तामसिक भाव नहीं आता, आलू फ्राई कर करके खाए जा रहे, तो उनमें भी तो तामसिक भाव आ ही रहा है ना, चुगलियाँ भी कर रहे हैं तो वो भी तो तामसिक भाव है। तो इसीलिए जो जाता है आपके अंदर वो नहीं है, जो आप उगलते हो अपनी ज़ुबान से वो इम्पोर्टेंट है। और गुरु जी की जो संगत है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल के रहना है। और आपकी आपसी जो गाज़ियाबाद में संगत है, जो भी गाज़ियाबाद की संगत है, उन सबको ना आदर सत्कार के साथ आपको उनको वेलकम करना है। अगर जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, जिसके कपड़े भी बेहाल है और आपने उसको मोड़ दिया अपने घर पे सोच के कि ये मेरा घर है तुम कैसे आ सकते हो, तो वहाँ भी गुरु का निरादर होता है। तो इसीलिए जो भी गुरु जी की संगत आए, जो भी आए, चाहे उसके फटे हाल हो, चाहे वो अच्छे कपड़े पहन रहा हो, चाहे वो दर्द में हो, चाहे वो सुखी हो, सबका वेलकम एक जैसा करना चाहिए। सारी संगत है गुरु जी की, आप भेदभाव करने वाले नहीं है, क्योंकि गुरु राजा से रंग भी बना सकता है और रंग से राजा भी बना सकता है। तो ये थोड़ा सा डर के भी रहना चाहिए कि आज आपके पास बहुत है, कल आपके पास शायद उतना ना हो, और आज जिसके पास बिल्कुल नहीं है आज कल उसके पास बहुत हो। तो इसीलिए समदृष्टि से देखो जो भी गुरु जी की संगत आती है, क्योंकि गुरु जी ने तो कभी भेदभाव नहीं किया हमारे साथ, कभी नहीं किया कि इसके पास कम है ज़्यादा है, गुरु जी ने भरपूर दिया। ऐसे ही जैसे कई एक बार ना कपल IAS ऑफिसर गुरु जी के पास है, ये मुझे किसी संगत ने, बहुत पुरानी संगत ने बात सुनाई थी, उनकी कानों सुनी और आंखों देखी, तो कह रहे कि कपल लो IAS ऑफिसर्स दोनों हस्बैंड वाइफ और बड़ी अच्छी पोजीशन में है,
गुरु जी के पास आके बैठ जाना, लोग सोचते थे गुरु जी ना अमीरों के गुरु जी हैं, गुरु जी ना बहुत पावरफुल लोगों के गुरु जी हैं। और तो उन्होंने बोला कि बैठे रहे, गुरु जी भी उनको पास बिठाए रखा। लोग सोचे बड़ा रोज आते हैं गुरु जी के पास बैठ जाते हैं, बड़े लकी हैं जी, बड़े लकी हैं। तो यू नो संगत के मन में चलता है, जैसे आप जाते हो बड़े मंदिर तो एक एरिया होता है जहाँ पर सारे लगता है वीआईपी लोग हैं ये सारे, यू नो सबको लगता है ये मन में आता ही है, पर कोई वीआईपी नहीं है, ऐसा कोई वीआईपी नहीं है गुरु जी का। तो उन्होंने जब वो चले गए मत्था टेक के गुरु जी को, तो गुरु जी ने उनसे बोला आंटी से और कि रोज आंदे बैठे पर मेरे तो कुछ लेके नहीं गए। तो उन्होंने बोला क्यों गुरु जी, आपके पास आता है तो सभी को ही लेके जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ब्लेसिंग तो मिलती है। कह रहे थे एना ने अपनी लाइफ विच किसी की मदद नहीं देखी, एना ने किसी को पानी तक पूछ देनी है, ना खाना पूछ दे, कोई आंदा है कुछ भी नहीं करते, कोई बहुत मजबूर भी आंदा है उन्होंने भी मदद नहीं करते, ते जो मजबूर आदि मदद नहीं करते, जो दुखियारियाँ की मदद नहीं करते, तो पानी भी नहीं पूछते मेरे को, उन्होंने ब्लेसिंग देने वास्ते कुछ नहीं है। सो ये सोचो कि आपके व्यवहार से आप अपने जो घर में मेड सर्वेंट्स और हेल्प होती हैं, आप कैसे बोलते हो उससे पता लग जाता है कि आप क्या हो। यू नो मैंने देखा बड़े बदतमीजी से रूप लोग बोलते हैं, उनको कुछ छोटा समझते हैं। आई थिंक हम गुरु जी की संगत में ना बहुत फर्क आ गया है, मैंने देखा है। इसका भी एक सत्संग करती हूँ कि मैं तो बोलती जाऊँगी। सो एक हम सत्संग करते हुए जा रहे थे, तो देखो गुरु जी की लीला कैसी होती है। हम महलों में भी यू नो राजा के महल में भी रंग ने सत्संग किया, ऐसे समझिए कैसे हुआ कि एक बहुत बड़े घर में, बहुत महल की जो उनका घर, तो एक आती है कहती है कि मैं ना घर घर के बर्तन साफ करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, और उसका हस्बैंड नहीं अपना मेहनत करके कमाती है और बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन की, यू नो मतलब जैसे तवे की तरह उनका उसका कलर डार्क, पर उसके चेहरे पे फिर भी नूर। मैंने कहा अच्छा बता क्या सत्संग है, यदि मैं करूँ माइक पकड़ के। मैंने कहा हाँ, कहाँ वो महलों में वो आई और उसने क्या सत्संग किया। कहती कि मैं ना मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरी दो लड़कियाँ हैं या दो बच्चे हैं मेरे। तो मैंने कहा अच्छा, कहती है फिर उसने सत्संग सबके सामने सुनाया। कहती कि मैं ना मेरा घर ऐसा था कि छत भी लीक करती थी बारिशों में, टूटा फूटा सा मेरा मकान, और मैं क्या करती थी कि बर्तन रख देती थी हर जगह कि, और हम मेरे बच्चे एक छोटा सा एरिया था वहाँ बिना दुबक के बैठ जाते क्योंकि उस जगह पे पानी नहीं आता था, तो मेरे घर के सारे बर्तन लग जाते थे, सारे के सारे हम लगा देते थे, और मैं पूछती थी भगवान को कि कैसी ज़िंदगी दी है मुझे, कोई है ही नहीं मेरा। कहती है रोज़ रात को मुझे सपने में ना एक गंजे आए, एक गंजे गंजे से इंसान आए और मुझे मुस्कुराए, घर का मुआयना करे और चले जाए। और कहती है मेरे को तो कहती है आगे मेरी लाइफ में मुसीबतें कम है, एक भूत प्रेत मेरे से चिमट गया है, रोज़ रात को आता है दर्शन देके फिर चला जाता। कहती है ऐसे मेरे काफ़ी दिन निकल गए और मैं डर गई पड़ा, कहती रात को और मैं एक अकेली और सपने में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं मेरा दिमाग, ना कितनी सारी चीज़ें होती हैं आपके, और वो हंसे मुस्कुराए देख कर चले जाए। तो ऐसे काफ़ी दिन निकल गए, कहती मैंने घर का काम पकड़ा और झाड़ू पोछा सफाई का और जो भी सफाई का और बर्तनों का। तो कहती है जैसे ही मैं एंटर करी ना तो सामने उसने गुरु जी की फ़ोटो देखी, कह रहे ये तो गंजे बाबा है जो मेरे को बहुत तंग करते हैं, तो जो जिनके घर काम करी, कह रहे क्या मतलब गंजे बाबा, गुरु जी हैं ये। तो उसने फिर अपना सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरी ये आते हैं मेरे ड्रीम में, तू कितनी लकी है जिसके घर में वो काम करने आ रही हुई, कह रही तू तो कितनी लकी है, तेरे को तो गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, हमें तो वो भी नहीं दे रहे। पहला चेंज, तो वो काम करना शुरू की और धीरे धीरे उसकी छत भी सही हो गई, और कितने साल हो गए मैं इसको जानती हूँ, और छत भी उसकी एकदम पक्की कर दी, गुरु जी ने इसको पक्का घर दे दिया, उसके बच्चे भी पढ़ गए हैं, और उसकी एक अरदास जो मैंने सुनी ना वो मेरे दिल को छू गई, और जो वो गुरु जी को प्रे करती है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
तो कहती है मैंने गुरुजी को ये बोला, मैंने कहा गुरुजी बच्चे बड़े हो गए अपना करियर बना लेंगे, पर मेरे हाथ पैर सलामत रखना कि मैं घर घर का काम करके इंडिपेंडेंट रहूं, मैं अपना गुजारा और अपनी रोजी रोटी इसी से कमाऊंगी, मुझे महलों की कोई इच्छा नहीं है, मेरे पास हाथ पैर चलाते रहना एंड तक ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ, ना मैं बच्चों पे डिपेंडेंट रह सकूँ ना मैं किसी पे भी, बस ये पर गुरुजी मेरे लिए कर देना, मुझे महल की ज़रूरत नहीं, मुझे घर की ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़े महल बड़े घर नहीं चाहिए। तो जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे लगा हम तो कितने छोटे हैं, एक्चुअली हम कितने छोटे हैं। गुरुजी आपको हर पल सिखाते हैं, आपको हर पल बताते हैं, सिखाते हैं कि देखो ये भी एक लाइफ है, ये भी ऐसे भी है संगत मेरी, और एक है जो मिलता है तब भी रोती है, और जिसको नहीं मिला तब भी वो खुश है, जिसको बहुत मिला हुआ है तब भी उसने रोना है। अच्छा एक तो गुरुजी डायमंड मिल गया, अब तो सॉलिटेयर तो ले लिया, अब मुझे रूबी भी चाहिए, अब मुझे ना पन्ना भी दे दो, मैं तो बड़ी दुखी हूँ इस मामले से, उसके पास है मेरे पास नहीं है। तो आप ये देखो कि कितना हमारे को गुरुजी ने बदला है कि हमारे पास है या नहीं है। गुरुजी कहते हैं सीखो, तो जब आप सीखने आए तो प्लीज़ सीखो और गुरुजी से खूब सारा जुड़ो और खूब सारा प्यार करो। देने वाले वो हैं, करतार भी वही हैं, तो जैसा भाव रखोगे वैसे ही आपकी झोली में पड़ेगा। जितनी बड़ी झोली प्यार की कर लोगे उतना प्यार भी समेट लोगे, उतनी ब्लेसिंग्स भी समेट लोगे, और अगर दिल छोटा रखोगे झोली छोटी रखोगे, क्योंकि दे तो वो बहुत है, वो तो बिखर ही जाएगी। तो इसलिए खूब सारा प्यार करो और सीधा सीधा चलो गुरु जी के पास, वहमों में मत पड़ो। जय गुरु जी।